सो हे गाइस, वेलकम बैक टू एसआर व्लॉग। सो टुडे मतलब हम कल गए थे पिकनिक के लिए, पिकनिक अ ट्रिप पार्टी, हुरडा पार्टी जो सोलापुर में। सो मैं लोकेशन वगैरह सब डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, प्लीज़ चेकआउट एंड या लेट्स गो। ओके, सो ये है रत्नाई शिवार की एंट्री। अगर आपको ये लोकेशन चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डालूँगी, चेकआउट कर लेना। एंड उधर एक मंदिर भी था एंड उधर का व्यू और फार्म्स बहुत ही अच्छे थे। चीकू के पेड़ थे, नारियल के पेड़, गन्ने के फार्म्स, बहुत ही अच्छा। और हमने डांस भी किया, मैं इधर नहीं हूँ, बाद में किया मैंने डांस, बट एक छोटा सा क्लिप मैंने निकाला है। मैंने आपको बोला था ना, मतलब इतने अच्छे फ्लावर्स, ट्रीज वगैरह, इतना सुंदर व्यू था। आप आगे आगे देखिएगा ज़रूर। और जाते ही हमें ब्रेकफास्ट मिल गया था, उसमें फ्रूट्स थे जैसे कि पपाया, पेरू, गुआवा एंड उपमा जिसको हम उपिट भी बोलते हैं, और उसके साथ सेव और नींबू पिकल था एंड एक गन्ने का खेत है ये। सो यस, ये है हुरडा जिसे फ्रेशली तोड़कर लाए थे उनके फार्म से, और ये हुरडा रोस्टिंग की तैयारी चल रही है। और हमने बहुत बहुत मज़ा किया उधर, और हम इसके एग्जैक्ट साइड में बैठकर खा रहे थे, मतलब वाओ, इट्स द एक्सपीरियंस वॉज रियली गुड। और उसके साथ ब्रिंजल और ऑनियंस भी दे रहे थे, और मट्ठा यानी कि ताक, आपके लैंग्वेज में क्या बोलते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। एंड यस, वी एन्जॉयड अ लॉट। हुरडा के साथ हमको खाने के लिए दिए थे किसा हुआ नारियल, मूंगफली की चटनी, फरसान यानी कि सेव, और गुड़, नमक और काला तिकट। बहुत मज़ा आया खाने में। खाने के बाद हम गए खेलने, और पीछे देखिए इतना अच्छा फार्म है, हमने उधर जाके थोड़े से फ़ोटोज़ भी क्लिक किए। और खेलने के लिए थासी, सौ, स्विंग्स, और कुछ लेडीज़ इधर सिंगिंग भी कर रहे थे, बहुत ही अच्छी थी उनकी आवाज़, तो बहुत ओल्ड सॉन्ग्स गा रहे थे। एंड ऐसा चढ़ने का भी था उधर, मैंने चढ़ा दो, मतलब बहुत चढ़ा मैंने, और फिर बाद में बहुत कुछ किया हमने, आप सबको इस वीडियो में देखने मिलेगा। तनिष्का भी थी, सब लोग थे। सो इधर रेन डांस भी था, हमें पता नहीं था कि इधर रेन डांस है, अगर हमें पता होता तो हम एक्स्ट्रा कपड़े लाते। हम सब ने किया, बॉयज़ तो इतना मस्ती कर रहे थे, मतलब आप पूछे मत। सो बॉयज़ ने श्रीवल्ली डांस भी किया, आप कमेंट में बताइए कैसा था। सो ये है फार्म, रत्नाई शिवार का ही फार्म था, मतलब उनका ही फार्म था, ओन वो ही करते थे। और हमने इधर जाकर फ़ोटो शूट भी किया, इसका मत ध्यान दीजिए, ये बहुत ही फनी दिख रहा था। देखिए इधर जाकर हमने फ़ोटो शूट किया था। सो ये मैं हूँ और ये मेरी सिस्टर है। और अब है लंच टाइम। सो लंच टाइम में सब लेडीज़ खाना बना रहे थे, और वो बहुत ही कैमरा शाय थे,
सो यहाँ है भाकर, कड़क भाकर, जो कि सोलापुर में बहुत 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 ही फेमस है। यहाँ है खीर और भाजी, ब्रिंजल की भाजी एंड राइस पुलाव। फिर ये है टमाटो की चटनी, गरगट्टा, जो कि सोलापुर में भी फेमस है। यहाँ है चपाती, पापड़, कड़क भाकरी एंड या दिस इज़ होल थाली एंड यहाँ हम सब खाना खा रहे हैं। और वहाँ बफेलोज भी थे और वो खाना खा रहे थे और तब हमने वीडियो निकाला उनका खाना खाते खाते ही। और बुलक कार्ट राइड भी थी जिसमें हम सब बैठे थे, मैं, मेरी कजिन्स भी बैठे थे हम, और इतना फास्ट भाग रहे थे ना वो बुलक, मतलब बहुत ही तेज़, मैं तो बहुत डरी हुई थी। और उन्होंने दो राउंड मारा, एक्चुअली वो बोल रहे थे कि एक ही राउंड है, पर हमने थोड़ा सा मस्का लगाकर उन्हें दो राउंड बोला और यस, आज टू राउंड्स आर कंप्लीटेड। और अब बुलक कार्ट में बैठे हैं सब लेडीज़, मेरे आंट्स वगैरह सब लोग बैठे हैं बुलक कार्ट में। और लास्ट मेन थिंग दे रहे थे गन्ने का जूस, सबसे लास्ट में खाना खाने के बाद, राइड करने के बाद दे रहे थे गन्ने का जूस। एक्चुअली मैं सच बोलूँ तो मुझे इंट्रो वहाँ निकालना था, बट टाइम ही नहीं मिल रहा था, मतलब व्लॉग करूँ, रील्स करूँ, खेलूँ, रेन डांस करूँ, खाऊँ या क्या करूँ, मतलब टाइम इतना फास्ट गया ना कि ऐसा लगा कि एक दो घंटे में हम घर भी आ गए ऐसा लगा। बट इट वॉज ऑल ओवर, इट वॉज फन एंड हम, हाँ छोटा सा ही व्लॉग है क्योंकि मैं, हमने बहुत प्लान किया था कि रील्स निकालेंगे एंड बहुत खेलेंगे वगैरह, पर कुछ हुआ ही नहीं, सो हम शेड्यूल से पीछे चल रहे थे। एंड या दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ व्लॉग गाइज, इफ़ यू हैव लाइक इट प्लीज़ लाइक शेयर।